हेलो स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक हमने लिया है वो है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ लाइकिंग्स, यानी कि शेवाकों का आर्थिक महत्व। इससे पहले के लेक्चर में हम बात कर चुके हैं शेवाकों के सामान्य लक्षणों के बारे में, उनके वर्गीकरण के बारे में, साथ ही साथ थैलस की संरचना और कुछ विशिष्ट संरचनाओं के बारे में। आज बात करते हैं शेवाकों के आर्थिक महत्व के बारे में। तो जो शेवाक हैं ये पायोनियर कॉलोनाइजर हैं, यानी प्राथमिक अन्वेषक हैं किसी भी स्थान पर। जैसे कि अपन कह सकते हैं कि ये बेयर रॉकी एरियाज, यानी कि अपन जैसे कोई रिक्त चट्टानीय क्षेत्र हो गया, वहाँ पे ये प्रथम अन्वेषक के रूप में आते हैं और उस क्षेत्र के अंदर ये स्थापित करते हैं वनस्पति को। तो किसी भी रिक्त चट्टानीय क्षेत्र में प्रथम अन्वेषक के रूप में ये वनस्पति की स्थापना करते हैं और अपने इस परिवर्धन के दौरान ये क्या करते हैं, ये डिसइंटीग्रेशन करते हैं रॉक स्टोन्स का, यानी कि ये विघटन करते हैं चट्टानों का। और ये चट्टानों का ये जो विघटन है लाइकेंस के द्वारा, ये कहलाता है आपके बायोलॉजिकल वेदरिंग, यानी कि जैविक अपक्षय। और ये जो जैविक अपक्षय लाइकेंस करती हैं, ये कर पाती हैं ये विभिन्न प्रकार के एसिड्स यानी अम्लों के निर्माण के द्वारा, जैसे कि ऑक्सैलिक एसिड हो गया, कार्बोनिक एसिड हो गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रकृति के अंदर जो लाइकेंस है वो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है मृदा के निर्माण के द्वारा, यानी मृदा निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका लाइकेंस अदा करती हैं। ठीक है, इसलिए इनका जो प्रकृति है उसमें भी एक महत्व है। और ये जो प्रक्रिया है मृदा के निर्माण की, चट्टानों की अपक्षय से, इसे अपन कहते हैं पेडोजेनेसिस। तो पेडोजेनेसिस की जो प्रक्रिया है उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं लाइकेंस। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंस है लाइकेंस की वो है रोल इन एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, यानी एनवायरमेंट पॉल्यूशन नहीं करती है, ये एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की सूचना देती है। ठीक है, क्योंकि लाइकेंस जो होती है, जैसा अपन अपने पिछले लेक्चर्स में भी बात कर चुके हैं कि जो लाइकेंस होती हैं वो जो प्रदूषण है उसके प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती हैं। और ख़ास तौर से जो सल्फर डाइऑक्साइड है, वायु प्रदूषण की अगर बात करें तो जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसके प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती है लाइकेंस। तो इसे अपन कह सकते हैं कि एक जैविक सूचक के रूप में कार्य लिया जा सकता है प्रदूषण का पता लगाने के लिए, यानी जिस स्थान पर भी सल्फर डाइऑक्साइड होगी या प्रदूषण अधिक होगा वहां अपने को लाइकेंस नहीं देखने को मिलेगी। तो अपन कह सकते हैं कि इनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं एक जैविक सूचक के रूप में। नेक्स्ट जो इसकी इंपॉर्टेंस या महत्ता है वो है फूड एंड फॉडर, यानी कि भोजन और चारे के रूप में। जो लाइकेंस है वो एक महत्वपूर्ण खाद्य स्रोत है किसके लिए, इनवर्टिब्रेट्स अकशेरुकियों के लिए। ये है रिच होती हैं किसमें, पॉलीसेकेराइड्स में, यानी इनके अंदर पॉलीसेकेराइड्स हो गए, कुछ एंजाइम्स हो गए और विटामिन्स हो गए, उनकी अत्यधिक मात्रा देखने को मिलती है। लाइकेंस जैसे कि सेट्रेरिया आइलैंडिका, जिसे अपन कहते हैं आइसलैंड मॉस, इसको एक खाद्य पदार्थ के रूप में काम में लिया जाता है स्वीडन, नॉर्वे और आइसलैंड जैसे देशों के अंदर। नेक्स्ट जो लाइकेन है जिसे अपन कह रहे हैं लैकेनोरा एस्कुलेंटा, इसको इजराइल के अंदर खाद्य पदार्थ के रूप में काम में लिया जाता है। वहीं अमेलिकेरिया एस्कुलेंटा को जापान के अंदर खाद्य पदार्थ के रूप में काम लिया जाता है। परमिलिया जो लाइकेन है इसकी कुछ प्रजातियां, जिन्हें कहा जाता है तेलुगु भाषा में रथापू या रॉक फ्लावर, इनका इस्तेमाल किया जाता है करी पाउडर के रूप में। ठीक है, जो साउथ इंडिया है वहाँ करी पाउडर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। लाइकेन जैसे क्लेडोनिया रंजीफेरा फेरिना,
जिसे अपन कहते हैं रेनडियर मॉस। इसका यह एक मुख्य खाद्य पदार्थ है रेनडियर्स का, रेनडियर्स विच इज़ ए टाइप ऑफ डियर इन द पोलर कंट्रीज, यानी ध्रुवीय क्षेत्रों के पाए जाने वाले एक विशेष प्रकार के जो हिरण हैं उनके खाद्य पदार्थ के रूप में इस लाइकेन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट अगर इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें कि जो लाइकेन्स हैं एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं औषधियों का, एक पीले कलर का सब्सटेंस, एक पीले कलर का पदार्थ जिसे कहा जाता है अस्निक एसिड, इसको प्राप्त किया जाता है अस्निया और क्लेडोनिया की प्रजातियों से, और ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, यानी एक वृहद प्रभाव युक्त प्रतिजैविक है जिसको कार्य काम लिया जा सकता है विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं के संक्रमण के उपचार में, या अपन कह सकते हैं विभिन्न प्रकार के जो संक्रमण है उनके उपचार में इसको कार्य काम में लिया जा सकता है, और ये बहुत ज़्यादा असरदार है, कारगर है ग्राम धनात्मक जीवाणुओं के प्रति। कुछ लाइकेन के पदार्थ जैसे कि लाइकेनिन और आइसोलाइकेनिन, इनके अंदर एंटी ट्यूमरस प्रॉपर्टी होती है, यानी कि प्रति अर्बुद गुण इनके अंदर विद्यमान होते हैं जिनका इस्तेमाल जो अर्बुद है या ट्यूमर्स हैं उनके उनकी वृद्धि को रोकने के अंदर किया जा सकता है। जो प्रोटो लाइकेस्ट्रिनिक एसिड है ये एक कंपाउंड है जो पदार्थ है जो प्राप्त किया जाता है कुछ लाइकेन से, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है कुछ एंटी कैंसरस ड्रग्स के निर्माण में, यानी कुछ प्रति जो कैंसरस ड्रग्स हैं दवाइयां हैं औषधियां हैं उनके निर्माण में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। एरिथ्रिन जो कि आपके प्राप्त की जाती है रॉकेला मॉन्टेग्नी से, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है एंजाइना के खिलाफ या एंजाइना को ठीक करने के लिए। नेक्स्ट जो लाइकेन्स का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है वो है इंडस्ट्री, यानी कि आपके औद्योगिक क्षेत्र में। प्रथम जो अपन इसके अंदर ले रहे हैं वो है टैनिंग और डाइंग, यानी कि जो चर्म शोधन और जो रंगाई वाला क्षेत्र है इसके अंदर आपके इसका इस्तेमाल किया जाता है लाइकेन्स का। लाइकेन्स जैसे कि आपके सिट्रेरिया आइलैंडिका है, आपके लोबेरिया है, इनके अंदर कुछ एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज़ होती है, कुछ बंध्यकारक इनके अंदर गुण होते हैं। इन सब्सटेंस ये एस्ट्रिंजेंट जो सब्सटेंस हैं पदार्थ हैं इनका आपके शोधन किया जाता है किससे, थैलस से, और इनका इस्तेमाल किया जाता है टैनिन उद्योगों के अंदर। लाइकेन्स का इस्तेमाल कुछ प्राकृतिक डाइस, ठीक है, रंजक प्राकृतिक रंजकों के निर्माण में भी किया जा सकता है, जैसे ऑरेकिल है, ये एक नीले कलर का रंजक है जिसे रॉकेला और लेकोनेरा की प्रजातियों से प्राप्त किया जाता है, और इसका इस्तेमाल किया जाता है कुछ वुलन आर्टिकल्स, यानी कि कुछ ऊनी जो आपके आर्टिकल्स हैं वस्तुएं हैं उनकी रंगाई में, साथ ही साथ जो सिल्क फैब्रिक्स हैं उनके रंगाई के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो शुद्ध रूप होता है वो होता है ऑर्कम, और इस ऑर्कम का इस्तेमाल किया जाता है जैविक अभिरंजक यानी बायोलॉजिकल स्टेन के रूप में, ठीक है। जो लिटमस है, लिटमस पेपर जिसे अपन इस्तेमाल करते हैं आपके अम्ल और क्षार के सूचक के रूप में, इट इज़ यूज एज एन एसिड बेस इंडिकेटर, ये भी एक रंजक है जो कि ऑप्टेन किया जाता है, प्राप्त किया जाता है रॉकेला टिंक्टोरिया और लैसेलिया पस्टुलाटा से। नेक्स्ट जो इसका इम्पोर्टेंस है वो है आपके कॉस्मेटिक और परफ्यूम्स के अंदर, यानी कि सौंदर्य प्रसाधनों और इत्र के निर्माण में। लाइकेन्स जैसे एवर्निया हो गई, रैमेलिना हो गई, सिडोरिना हो गई, इन सबके अंदर रिपोर्ट किया गया है द प्रेजेंस ऑफ परफ्यूम्ड वॉलेटाइल ऑयल, यानी कि सुगंधित वाष्पशील तेल इसके अंदर उपस्थित होते हैं ऐसा पता लगा है या पता लगाया गया है, और इन एरोमेटिक या सुगंधित सब्सटेंसेस की उपस्थिति थैलस के अंदर होने से
इन जो लाइकेंस हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है विभिन्न प्रकार के कॉस्मेटिक आर्टिकल्स यानी कि जो सौंदर्य प्रसाधन हैं उनके निर्माण के लिए, परफ्यूम्स के निर्माण के लिए, धूप हवन सामग्री आदि के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें लाइकेंस के आर्थिक महत्व की, तो इसका इस्तेमाल होता है ब्रीविंग और डिस्टिलेशन के अंदर, यानी कि जो आपके पेय पदार्थ है, आसवन प्रक्रिया है, उसके अंदर क्या इसकी भूमिका है उसकी बात करते हैं। कुछ लाइकेंस की प्रजातियां जैसे कि सेट्रेरिया आइलैंडिका हो गई, इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है किसके रूप में, लाइकेनिन के रूप में, और स्वीडन और रशिया जैसी कंट्रीज के अंदर इनका इस्तेमाल किया जाता है अल्कोहल के निर्माण के लिए, यानी इनसे अल्कोहल का निर्माण भी किया जाता है। साथ ही साथ इन लाइकेंस का इस्तेमाल कॉन्फेक्शनरीज में भी किया जाता है। मिनरल्स की अगर बात करें, ठीक है, तो मिनरल्स की बात करें तो लैकोनेरा एस्कुलेंटा जो है लाइकेन, ये लाइमस्टोन डेजर्ट के अंदर पाई जाती है, यानी कि चूने के पत्थर जहाँ जिस मरुस्थल में उपस्थित होते हैं वहाँ पे ये पाई जाती हैं, और इससे बहुत मात्रा में, बहुत अत्यधिक मात्रा में कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल प्राप्त किए जाते हैं। यहाँ तक कि इस लाइकेन का जो शुष्क भार है उसका 60% तक कैल्शियम ऑक्सलेट प्राप्त किया जा सकता है। तो ये बात हुई लाइकेन्स के आर्थिक महत्व यानी शवाकों के आर्थिक महत्व के बारे में। धन्यवाद।